चैनल। सो पीछे आप लोग देख सकते हैं मेरी ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है एंड मैंने इसको अभी तक लगाया नहीं। इसमें सामान एक्चुअली मैं सोच रही थी कि सफाई हो जाए इस रूम की, देन मैं इसको अच्छे से लगा लूँ। तो चलिए इसको लगा लेते हैं एंड देखिए आप लोग इंजॉय करिए। तो मैं इसको लगा लूँ, देन आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से इसको लगाई है। ओके हो गई है मेरी ड्रेसिंग टेबल। मैंने लगा दी है जितनी भी मैं लगा पाई हूँ एंड छोटा मोटा सा सामान बचा हुआ है अभी, तो उसको एक्चुअली निकालना पड़ेगा। ये सामान आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे बचा हुआ है जो कि बाद में मैं साफ ऑफ करके दर में लगाऊंगी। छोटा मोटा सा सामान है तो उसमें टाइम बहुत लगता है, तो मैंने सोचा उसको मैं बाद में कर लूँगी। एंड देख लो कितना अच्छा शीशा है, बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें। मैं थोड़ी सी पतली लग रही हूँ। ओके तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। सो यहाँ पे मैंने वही सामान रखा है जो हम लोगों को रोज चाहिए होता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड की डियो लगा रख दी हैं दो जो उनको लगानी होती हैं। यहाँ पे ऑयल रख दिया है, यहाँ पे मेरी क्रीम वगैरह है, ओमिका की क्रीम रख दी है मैंने। तो ये मतलब डेली यूज़ की कुछ चीज़ें मैंने रख दी हैं यहाँ पे। एंड ओके ये मेरा खुल गया। इसमें सारा कुछ मैंने अपना रख दिया है सामान, जो भी मेरा मेकअप का है, जो भी मैं यूज़ करती हूँ, जो भी अभी मेरे पास है। सो सबसे पहले इसमें मैंने कुछ ऐसी सामान रख दिए हैं, मतलब जो भी मुझे यूज़ नहीं करने हैं। मेरे पास न्यू पैकिंग है, मतलब इनके भी ओपन हैं एंड ये वाले भी खुलने नहीं हैं, तो ये मैंने रख दिए हैं। ओके यहाँ पे मेरा एक ये है, इसमें हेयर एसेसरीज है मेरी डिब्बे में, तो ये सबको मैंने ऐसे ही रख दिया है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ चूड़ियाँ टांग दी हैं, मतलब ऐसे लगा दी हैं, जो कि मुझे रोज़ में चाहिए होती हैं पहनने के लिए, वही मैंने ऐसे रख दी हैं। तो मैं ये जो प्लेन है ना, यही रोज़ मैं पहनती हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। सो मुझे यही पसंद है, तो मैंने अभी यही कर दी है। एंड ज़्यादा मेरे पास बैंगल्स हैं नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। जब मुझे चाहिए होती हैं मैचिंग की, तभी मैं ले लेती हूँ। सो इतने ज़्यादा मेरे पास बैंगल्स नहीं है। एक्चुअली मेरे पास कांच की बहुत कमी होती है, मेटल की मेरे पास ज़्यादा होती हैं। तो मैं जब भी मैचिंग से लेती हूँ तो मैं मेटल की लेती हूँ। एंड ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, इसमें कंचन लिखवा के। तो मेरा ये हेयर यहाँ मैंने रख दिया। एंड ये है एक छोटी सी, जिसमें मैंने अपनी यू नो काजल एंड मस्कारा एंड ये सब हम चीज़ें रख दी हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। एंड इसमें मेरी रखी हैं कुछ ऐसी सीसी क्रीम, बीबी क्रीम एंड ये सब, जो कि मुझे बहुत कम ही यूज़ में करती हूँ। एंड ये दोनों गिफ्ट्स मैंने यहाँ रख दिए हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे।
यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मेकअप का सामान है, लाइक डियो वगैरह हैं, वो गुलाब जल, ये सनस्क्रीन, मेकअप फिक्सर, एलोवेरा जेल, ये ज़रा कुछ। ओके सो ये मेरे यहाँ पे आई शैडो एंड ब्रश एंड कॉम्पैक्ट एंड ब्लश एंड ये लिपस्टिक है, क्योंकि ये मेरे मिरर हैं, ये मेरा कर्लर है, आई लैस कर्लर, एंड ये मेरे सिंदूर हैं जो कि ऐसा ड्राई वाला सिंदूर है जो हमेशा तो यूज़ में करती नहीं हूँ। मेरी आई लैसेस रखी हैं जो कि एक पता नहीं कहाँ गई। मेरा ये सीरम, लिप ऑन एंड नेल पेंट रिमूवर, एंड ये की फाउंडेशन है जो कि मैंने मंगाया था, बट ये मेरे सेट मेरा मेरे स्किन से लाइट है, दैट्स वाई मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। सो ये मेरा प्राइमर, फाउंडेशन, बेबी क्रीम जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये मेरी कुछ बहुत लिपस्टिक्स एंड ओके सो ये सब है। मैंने ये स्पॉन्ज ऐसे ही रख दिया है, अभी इसको मैं स्टोर करके अच्छे से रखूँगी। एंड यहाँ मेरी कुछ इसमें वो है हेयर एसेसरीज वगैरह हैं, आप लोग देख सकते हैं, हेयर बैंड वगैरह है। तो इसको मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे रखूं, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। सो, ये वाली अभी खाली है, अभी इसमें कुछ भी नहीं रखा है। एंड अभी इसमें रखना है एक्चुअली थोड़ा वो जैसे इलेक्ट्रिक का सामान वगैरह होता है ना घर का, तो वही सब मैं इसमें रख दूँगी। सो, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मुझे ड्रेसिंग टेबल लगी एंड आई होप आपको भी पसंद आई हो। सो, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी एंड लाइक से सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आ गई हो।